हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान अहमद फारूकी। वेलकम टू प्रॉफिट जोन। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इमरान अहमद फारूकी आप सभी को प्रॉफिट जोन में स्वागत करता हूं। डिस्क्लेमर, दिस ट्यूटोरियल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। डिस्क्लेमर है, ये ट्यूटोरियल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अनदर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड मेंबर आर टिप्स प्रोवाइडर आर आई बिलोंग्स टू एनी टिप्स प्रोवाइडिंग फर्म। आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। डिस्क्लेमर है ना, मैं सेबी रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, ना टिप्स प्रोवाइडर हूँ, ना टिप्स प्रोवाइडिंग फर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। माय ईमेल आईडी इज़ imranahmadyafat@gmail.com। मेरी ईमेल आईडी है imranahmadyafat@gmail.com। आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप इसमें डालिए, मैं आप उसका आंसर दूंगा। सो वट एवर योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चन आर देयर, प्लीज़ पुट इन दिस जीमेल आईडी, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। बिफोर स्टार्टिंग today's topic, friends, let us understand what to do with this stock market. Today there is a news that 331 shell companies have been closed and the two heavy loss to the investors, not only the Indian investors, foreign investors also. Dekhiye dosto, aaj stock market mein bahut badi news aayi ki 330 pe ek jo shells companies thi wo sabhi band ho gaye hain aur jo jo bhi unme paisa lagaya hai वो उनके सब के पैसे चले गए हैं। तो अब स्टॉक मार्केट का करें क्या? सो व्हाट टू डू विद दिस स्टॉक मार्केट, बिफोर दैट लेट अस गो एंड सी दिस न्यूज़। देखिए ये न्यूज़ को देखिए, दिस 331 शेल कंपनीज स्टॉक हैज स्टॉप ट्रेडिंग फ्रॉम टुडे, डू यू ओन एनी? देखिए यहाँ पे जो हेडिंग दी है, 330 पर एक शेल कंपनीज के स्टॉक जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो आज से स्टॉप हो गए हैं। सो द लिस्ट गोस लॉन्ग हीयर। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है, ऑलमोस्ट 331 कंपनीज इट हैज़ बीन ट्रेडिंग स्टॉप्ड। 330 पर एक कंपनियाँ हैं जो अपनी ट्रेडिंग बंद कर चुके हैं। अब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो उनका तो पैसा चला गया। सो विच आर द स्मॉल इन्वेस्टर्स, देयर मनी इज गॉन। नाउ फ्रेंड्स, हाउ दिस विल हैपन, why this will happen and how to correct this, this is a big question mark to the Indian stock market. अब इससे कैसे बचें और इससे क्या करें कि हम इससे बच सकें, ये बहुत बड़ा question mark है Indian stock market के लिए। कुछ नहीं कर सकते, nobody can do anything with this because we can't trust, we can't see what to do, what is the future. कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि क्या हो सकता है बोल नहीं सकता, चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल हो, फील्ड में हो, अंदर काम कर रहा हो, नो बडी विल टेल दैट। सी फ्रेंड्स, रिसेंटली वी सी दैट मल्टी बैगर कंपनीज, दिस आर ऑलमोस्ट मल्टी बैगर कंपनीज एंड लिटिल बिट हायर कंपनीज आल्सो इज देयर। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे मल्टी बैगर कंपनीज थे। नाउ व्हाट इज मल्टी बैगर कंपनीज, देयर प्राइस इज लेस एंड मेनी प्राइजेस विल कम अंडर 200 रुपीज, 300 rupees and even less than that, 50 rupees, 27 rupees, 30 rupees, 100 rupees, 90 rupees, ये सब मल्टी बैगर कंपनीज थे। सोचिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल पीछे के देते थे कि अगर आप इन्फोसिस में 90s में अगर आपने 1000 rupees इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका पोर्टफोलियो लगभग 2 crore के करीब होता या 10 crore के करीब होता। Many people will give example that if you have invested 1000 rupees in 1990 in Infosys, today your portfolio may be 2 crore, 3 crore, 10 crore, whatever it may be. But at that time also Infosys was not that much of big company. As these companies are there, it was like that. Then how to trust? देखिए Infosys तभी भी उतना बड़ी कंपनी नहीं थी जितनी कि आज है, वो भी छोटी मोटी कंपनी थी जैसे कि ये कंपनीज थे, तो कैसा ट्रस्ट करें, तो क्या करें? अब इसका सवाल तो मेरे पास भी नहीं है ना किसी प्रोफेशनल के पास भी है। सो फॉर दिस आंसर आई आल्सो डोंट हैव, नॉट इवन एनी हाई प्रोफेशनल ट्रेडर इज आल्सो डजंट हैव एनी आंसर फॉर दिस। सो नाउ व्हाट टू डू विद दिस, सो आई हैव कम अप विथ लिटिल बिट सॉल्यूशन। If you think you can apply, you can do it. This is not a force to anyone. You should do like this. No, you
कैन डू और यू कॉन्ट डू। देखिए मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, वरना इसमें फोर्स नहीं है कि आप यही करिए ना करिए, ये आपकी मर्जी है। तो मैं ये एक इन्फॉर्मेशन फैला रहा था, तो सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट अपना कीजिए। सो थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग बिकॉज मार्केट इज़ वेरी रिस्की, मेनी पीपल आर देयर टू टेक योर मनी, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड डू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। सो लेट अस गो विद द टुडेज टॉपिक। तो चलिए आज के टॉपिक पे जाते हैं। टुडेज टॉपिक इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एज ए सेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। प्लीज थिंक दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। प्लीज डोंट एस सिली क्वेश्चंस आफ्टर पोस्टिंग दिस वीडियो दैट व्हाट टू डू विद ट्रेडिंग। दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज प्योरली इन्वेस्टमेंट। सो प्लीज ट्रेडर्स, प्लीज इफ यू वॉन्ट टू सी दिस you can see this, or otherwise you can stop seeing this video, and don't forward this video and backward this video, see completely, then only you will understand. देखिए दोस्तों आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात आती है तो ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, तो आप प्लीज़ सिली क्वेश्चंस मत पूछिए ट्रेडर्स के लिए क्या कर सकते हैं सर। अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो बंद कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो को बिना फास्ट करे प्लीज़ वन बाय वन स्टेप देखिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। सो व्हाट टू डू, फर्स्ट यू गो टू moneycontrol.com, देन यू क्लिक ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एवरी मंथ यू नीड टू इन्वेस्ट 500 to 1000 डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। आई एम सेइंग लिटिल अमाउंट 500 to 1000, यू कैन गो टू 2000, 3000, 5000, 10000 डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी यू कैन इन्वेस्ट। ओके, मिनिमम पीरियड फॉर द इन्वेस्टमेंट इज एटलीस्ट यू रिक्वायर 2 years। सो एटलीस्ट यू नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक फॉर 2 years टू गेट द रिजल्ट। दैट इज व्हाई आई सेड ट्रेडर्स प्लीज क्लोज दिस वीडियो, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, नाउ इफ यू कैलकुलेट टू ईयर्स इट विल बी 24 months। 24 months if you invest 500 it will be 12,000, if you invest 1000 rupees for 24 months it is 24,000 depending upon your capacity. तो दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जैसे कहा था कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपको करना क्या है, आप एक काम कीजिए moneycontrol.com में जाइए, वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए और एवरी मंथ 500 से 1000 रुपीस, ये अमाउंट जो है सीमित नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी 2000, 3000, 5000, 10000 की भी है तो आपके ऊपर निर्भर है, आप करिए। बट द कंडीशन इज यू शुड नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग एवरी मंथ, मींस 2 years, मींस 2 years कंटिन्यूअसली यू हैव टू इन्वेस्ट। इसमें एक कंडीशन है कि आप 2 साल का अगर लॉक इन पीरियड कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट हर महीना करना ही करना है, इसमें आप बीच में गैप मत दीजिए वरना ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। सो डोंट गिव गैप, दिस स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क। अगर आप 500 रुपीस 24 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 12,000 रुपये हो जाएंगे, अगर 1000 रुपीस 24 मंथ्स के लिए करते हैं तो 24,000 रुपये हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, यानी आपकी जितनी क्षमता है आप उतना ही कीजिए तो आपको रिजल्ट भी उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे पैसा घटेगा, करेक्ट, स्टॉक मार्केट ऐसा है घटेगा, लेकिन अगर थोड़ी समझदारी होगा तो आप जो बैंक से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, अगर मेरे स्टेप्स थोड़ा बहुत केयरफुली फॉलो करें तो। सी फ्रेंड्स, इफ यू केयरफुली फॉलो माई स्टेप्स, वट एवर यू विल गेट इन द बैंक सेविंग अकाउंट you will get more than that, because stock market, as everybody knows that, it will reduce your amount, correct? If your amount is 12,000 for 24 months, it may come to 10,000 or it may go to 15,000 also, but be careful while you are investing, okay? So please follow the steps and then come to the conclusion after 2 years. Okay, let us start with the practical thing. Okay, excuse me. So first of all, what I do is I will go to moneycontrol.com. So मैं पहले क्या कर रहा हूँ, moneycontrol.com में गया। Any blue chip shares, कोई भी blue chip shares ले लीजिए, जैसे कि Axis Bank है,
चलिए एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ओके, मैंने एक्सिस बैंक को यहां पे क्लिक कर दिया है. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सिस बैंक एज यू सी इन द डेली चार्ट पैटर्न. देखिए ये एक्सिस बैंक आप जो डेली देखते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यहां पे करना क्या है, यू हैव टू गो, डोंट सी दिस, ये मत देखिए, ये तो सभी देखते हैं, ये मत देखिए, आप डिफरेंट मेथड यूज कीजिए. नाउ ट्राई विद द डिफरेंट मेथड, गो टू शेयर होल्डिंग पैटर्न ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्लिक कीजिए ओके. आई क्लिक ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न करेक्ट, तो मैंने क्लिक कर लिया, तो यहां पे देख लीजिए. सो सी हियर शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इट इज 7, फॉरिनर्स इट इज 7, इट इज लाइक हियर नंबर ऑफ शेयर्स ओके, एंड दिस देयर आर सो मेनी डिटेल्स हियर ओके, टोटल इज दिस मच. तो यहां पे देख लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इतने हैं, इतने उन्होंने शेयर परचेस किया है. व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गो टू म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, प्लीज क्लिक ऑन म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स. तो यहां पे आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पे क्लिक कीजिए. जब म्यूचुअल फंड होल्डिंग पे क्लिक करेंगे सो यू विल गेट दिस, आई विल गो टू वन बाय वन म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ओके, इट टेकिंग टाइम ओके. आई क्लिक दिस, यू विल गेट दिस रिजल्ट. आफ्टर क्लिकिंग ऑन म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स यू विल क्लिक दिस. सी हियर व्हाट इज द थिंग्स यू हैव टू सी, द स्कीम्स दे हैव बॉट इट इज 278 स्कीम्स एंड सोल्ड बाई 168 स्कीम्स इन लास्ट क्वार्टर एंड नो चेंज इन 12 स्कीम्स. That means the total mutual fund holdings are 278 schemes. That means 278 mutual funds holdings are here. Okay. This is also a very good firm, because whenever a mutual fund managers invest in a stock, he see every aspect of the company. Then only he will invest. That means if they have invested in 278 schemes, means this stock is strong. Axis Bank is strong. So this month you can take one share of 500 rupees for 1 month. Okay, clear? देखिए मैंने यहां पे देख लिया, यहां पे देखिए 278 स्कीम में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्ट किया है, यानी इन सारे म्यूचुअल फंडों में. तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं हर चीज देखते हैं करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में ताकत है, तो इसीलिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है. तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब 278 स्कीम्स में इन्वेस्ट किए हैं तो ये स्टॉक अच्छा है. तो पहले मैंने आप जो 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक एक्सिस बैंक का स्टॉक लीजिए जो आपके होल्डिंग में जाएगा करेक्ट, 2 साल के लिए ठीक है. सो वी आर टेकिंग द स्टॉक ऑफ एक्सिस बैंक फॉर 2 ईयर्स. Month by month, you increase the stock. Depending, if you want to restrict Axis Bank for 10 stocks, stop that. Then you go for the next one. अगर आप Axis Bank को ज़्यादा ही accumulate करना नहीं चाहते, accumulate माने जमा करना नहीं चाहते, तो आप Axis Bank को एक सीमित level तक खरीदिए. जैसे कि 5 शेयर ले लिया, बस मुझे Axis Bank नहीं चाहिए. ठीक है भाई, आपको नहीं चाहिए बस. What is portfolio? आपके जो बास्केट है, वट एवर योर बास्केट इज हैविंग, इट शुड नॉट बी इन वन स्टॉक, इट शुड बी नंबर ऑफ स्टॉक्स, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो में क्या है ना, एक बास्केट होता है, उसमें एक ही स्टॉक मत भरिए, डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक भरिए, तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं. तो एक्सिस बैंक हो गई, 5 शेयर हो गए उसके ठीक है. सो नेक्स्ट मंथ वॉट यू कैन do is you can go to Infosys. See this is 357 scheme they have invested in last quarter year. It is 278, this is 357, and State Bank is 437. So State Bank is much better than other two. So you should have Axis Bank, Infosys, and then State Bank of India. Then coming to Syntex, it is only 18 schemes, 43 schemes.
this is okay for future, it may be give result. So like this way you can find out the stocks which you can invest for the future, that is investment. This is not a trading, this is a investment. तो मैं यही बोल रहा था कि आप स्कीम्स का फंड मैनेजर्स देखिए कितनों में उन्होंने डाला है. एक्सिस बैंक ने 278 डाला है, इन्फोसिस 357, तो एक्सिस से इन्फोसिस बेटर हुआ. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो 437, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस से भी बेहतर हुआ, इन्फोसिस से भी बेहतर हुआ. ऐसे ही बहुत सारे फर्म्स हैं आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि इची मोटर्स हैं और जैसे कि सुजलान है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, हीरो होंडा है, एशियन पेंट्स हैं, और IDBI बैंक हैं, HDFC बैंक है. सी देर आर सो मेनी बिग बिग स्टॉक प्राइजेस आर देयर लाइक इची मोटर्स, सुजलान, एशियन पेंट्स, होंडा, हीरो होंडा, देन मेनी अदर फर्म्स आर देयर. यू कैन इन्वेस्ट बाय सीइंग दिस फंड मैनेजर्स पैटर्न, हाउ दे हैव इन्वेस्टमेंट एंड हाउ मेनी स्कीम्स दे हैव बीन इन्वेस्टेड. Like this way, you can invest in the stock and you can build your portfolio. So, ऐसे आप अपना portfolio बना सकते हैं long term investment के लिए. See friends, why we will do long term investment? After your retirement or if you are a businessman, whatever it you are doing today, that will be given pass to your children. See, we are in a middle class, correct? Many of them are higher class also who are watching the video. But as compared to that, 80-90% are middle class in India. If you can give something to your children, something is better than nothing, correct? So if you can invest little bit and give to the children, they will think that they will also get an idea how to do the investment. So better start from today in investing in the stock which give best performance. After 2 years, what to do, sir? After 2 years, the stock price will not be same. It may be increased. Your portfolio may be increased. You can come out. You can go for the next stock, or you can continue with that, building with the more stocks. देखिए दोस्तों, अगर investment नहीं करने से थोड़ा सा investment करना ही बेहतर है. आप अपने बच्चों को दे सकते हैं थोड़ा बहुत investment करें तो उनको भी आइडिया मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट क्या है. तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए अपना, मल्टी बैगर स्टॉक्स को मत जाइए. चाहे वो एक स्टॉक हो लेकिन आप खरीदिए वो, तो इससे क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिल जाएगा. और 2 साल के बाद करना क्या है, अगर उसमें आपको टिकना है तो टिकिए, वरना अगर बाहर निकलना है तो दूसरे स्टॉक्स खरीदिए, या उसमें ही अक्यूमुलेट यानी उसमें ही जमा करते जाइए, और स्टेट बैंक को जमा कीजिए या और इन्फोसिस को जमा कीजिए. इन्फोसिस एक ज़माने में 1000 से ऊपर चल रहा था, अभी 981 आ गया है. ऐसा हो सकता है, वन टाइम द इन्फोसिस वॉज रनिंग अबोव 1000, नाउ इट हैज़ कम टू 981, इट मे हैपन, करेक्ट, बट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 2 ईयर्स ब्रदर, सो डोंट थिंक दैट. सो डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट यू कैन गेट योर रिजल्ट्स. So, I hope you have understand my video, and I thanks each and everyone who has subscribed my channel. I have almost touched 2000 and above. I want more and more and people to join in my channel. Who has not yet subscribed, please subscribe my channel, like, share, comment, give your feedbacks. I love your comments. It may be bitter, sometimes it may be good also, but this is a free knowledge, my brothers. So you can tell me how do you feel this portfolio management. I'm waiting for your feedbacks. This is Imran Ahmad Farooqi saying bye to everyone. Bye. देखिए दोस्तों, मैं आप जो भी अब तक चैनल्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 2000 एंड अबव सब्सक्राइबर हो चुके हैं. और भी सब्सक्राइबर लाइए, आपके फ्रेंड्स को दिखाइए वीडियोस. फ्री सर्विस तो दे रहे हैं ना, तो आप दिखाइए उनको, वो भी थोड़ा सा सीख लेंगे. तो जो भी कमेंट्स हैं, थोड़े खट्टे हैं, थोड़े मीठे हैं, कमेंट्स में दोनों भी आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. तो आप कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए.
मैं आपका दोस्त इमरान अहमद फारूकी आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।